नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बोकारो जिला भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। चास स्थित वीणा रेजेंसी में भारतीय जनता पार्टी धनबाद बोकारो के द्वारा कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भाजपा राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान का एक मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, बोकारो के लोकप्रिय विधायक सह मुख्य सचेतक विरोधी दल बिरंची नारायण अभियान के प्रदेश सह संयोजक सहवा पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि पूर्व 20 सूत्री प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि महामारी को संभावना व पिछले दिनों पूरे देश में कोविड महामारी की जो परिस्थिति कि 35% ऐसे रोगी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे जो होम क्वारंटीन से ठीक हो सकते थे, जिससे देश में बेड का किल्लत झेलना पड़ा। ऑक्सीजन की कालाबाजारी और लोगों में व्याप्त भय के कारण परेशानी और भयावह हो गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पूरी जिम्मेवारी के साथ इस महामारी काल में और बढ़ गई है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता 30 तारीख तक तैयारी पूर्ण कर लेंगे। इस अभियान का उद्घाटन भाषण देते हुए बिरंची नारायण ने कहा कि ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी की भूमिका से हर घर तक अभियान पहुँचाया जाएगा। पूरे देश में जिस प्रकार फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से लोगों ने अपनी जान गंवाई क्योंकि उन्हें इस बीमारी की जानकारी नहीं हुई, स्वास्थ्य संकल्पना एवं भूमिका व कोरोना की सामान्य जानकारी व दूसरे सत्र में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण बातों पर बोकारो के लोकप्रिय विधायक बिरंची नारायण ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। शेखर की रिपोर्ट। क्या उसको हक है कि कोरोना का टीका बहुत तेजी से नहीं लग रहा, एक एक दिन में 70 लाख 80 लाख 60 लाख लोगों को टीका लग रहा है और इतना तेज गति से टीका लगने वाला कोई देश है तो भारत केवल है। आज लोग बात करते हैं अमेरिका की तुलना करते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, सबसे बड़ा विकसित देश है। अमेरिका की आबादी कितनी है? अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है, मात्र 40 करोड़ है और वहां 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना था और अमेरिका 30 करोड़ टीका लगाकर अपना पीठ थपथपा रहा है। हम आज 60 करोड़ से भी अधिक टीका अपने देश में लगाए और इसलिए हमारे देश की आबादी इतनी। अमेरिका 30 करोड़ टीका लगाता है तो दुनिया में उसके विरोधी दल जो भारत में रहने वाले जो विरोधी दल है वो दहशत फैलाते हैं कि अमेरिका से हम बहुत पीछे हैं। हम कह रहे हैं कि भारत की आबादी 130-135 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है, हम 3 गुना जनसंख्या में हम अमेरिका से ज्यादा हैं और टीका लगाने में भी हमने अमेरिका से दुगना टीका इस देश के अंदर लगवाया है। इसके बाद भी कांग्रेस और विरोधी दल ये कहते हैं कि अभियान बहुत ढीला है, यह समझना पड़ेगा। हमारी पार्टी हमारी सरकार ये दोनों स्तर पर काम चल रहा है और दोनों स्तर पर यह काम इसलिए चल रहा है कि एक तरफ सरकार टीकाकरण अभियान को तेज किए हुए, दूसरी ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।